हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गंदगी से परेशान वार्ड वासी पहुंचे नगर परिषद, किया हंगामा। बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 3 में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ड वासी नगर परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं हंगामा भी किया, जिसके बाद उन्होंने नगर परिषद आयुक्त पंकज मंगल को ज्ञापन सौंपकर सफाई व्यवस्था ठीक करवाने के साथ आवारा पशुओं को धर पकड़ के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड संख्या 3 ऐसी वार्ड है जहां चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, वहीं सफाई कर्मियों द्वारा वार्ड में नियमित सफाई भी नहीं की जाती। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि सड़कों सहित नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वार्ड में आवारा पशुओं का भी आतंक बरकरार है, जिससे निवासरत लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पाते। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की वजह से कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। वहीं वार्ड वासियों ने स्पीड ब्रेकर बनवाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि बाइक सवार यहां से तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे किसी हादसे की आशंका भी बनी रहती है। ज्ञापन में उन्होंने सफाई व्यवस्था ठीक करवाने, आवारा पशुओं को धर पकड़ करने, स्पीड ब्रेकर बनवाने के साथ जमादार बदलने की भी मांग की है। मोहनलाल सोलंकी, पूर्व पार्षद। कई समस्या हमारे मोहल्ले में कई है। एसी का वार्ड है अनुचित जनजाति का, और कई टाइम से सफाई व्यवस्था सुधार नहीं हो रही है। बिल्कुल कोई सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आता है, और जगह जगह गंदगी बड़ी बड़ी रहती है, और आवारा पशु दुनिया भर इतने हैं कि पुराना शहर है उसमें छोटी छोटी गलियाँ होने की वजह से इतने आवारा पशु हमारे लोगों का घर में निकलना मुश्किल हो गया है। और उसके बाद में बाड़मेर शहर में जगह जगह मतलब जो बने हुए हैं स्पीड ब्रेड का, हमने भी नगर पालिका, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई लोग आवारा लड़के, आजकल आवारा लड़के और लोग ऐसे जो इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं, एक दो बार हमारे यहाँ एक्सीडेंट भी हुआ। इसकी वजह से हमने नगर पालिका को लिख के दिया, अभी हमारे यहाँ भी जब शहर में और भी जगह स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, तो हमारे वार्ड में भी लगाए, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। हमने अपने समाज से चंदा करके स्पीड बनाया, स्पीड ब्रेकर, ताकि हम लोगों को कम से कम अपनी सुरक्षा तो अपने कर सके। हाँ, उसमें हमारे आज आपने किनको ज्ञापन सौंपा? हमने हमारे कमिश्नर यो साहब को दिया है। हमारे वार्ड की जो समस्या है, पहले सबसे बड़ी समस्या है हमारे वार्ड में सफाई की व्यवस्था इतनी गंदी है कि जगह जगह नाली है, और जगह जगह रोड पे और गोबर पड़ा रहता है, निकलना मुश्किल हो गया। आए दिन लोग बेचारे स्लिप होते हैं, मतलब घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इसे सफाई की व्यवस्था सुधार के लिए, और हमारा जो है आजकल जिम्मेदार भी ध्यान दे, इसलिए जिम्मेदार हमारा चेंज किया जाए, ताकि हमारे एरिया की व्यवस्था सुधार हो सके। वार्ड से क्या 3 है, आयुक्त ने आपको आश्वासन दिया कि मैं आपको शाम को दोपहर में आपसे यहाँ चेक करना आऊँगा, उसके बाद में मतलब हमें किसी तरह से समस्या, नालियाँ इतनी चौड़ी बनी हुई है, वहाँ से मोटी छोटी गाड़ी तो बिल्कुल टायर अंदर चला जाता है, तो उस वहाँ उस पर मतलब प्लेट इसकी लोहे की प्लेटें लगाई जाए, ताकि लोगों को आना जाने समस्या को तकलीफ नहीं हो। और जो भी अब हम लोग गंदगी से मतलब बड़ा जीना मुश्किल हो गया हमारे लिए, इसलिए। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।